हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8th के इंग्लिश के लेसन नंबर 1 को। इस लेसन का नाम है बच्चों अनदर चांस। इसका मीन्स होता है एक और प्रयास। यदि हम असफल हो जाते हैं तो हमें एक और प्रयास करना चाहिए, इसका मीन्स ये है। तो यहाँ पर हमसे कुछ एक क्वेश्चन किए गए हैं, इन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है वॉट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों, हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक और मौका लेना चाहिए और अपनी पूरी मेहनत के साथ उस प्रयास को करना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है वो है वॉट शुड वी डू टू चेंज आवर फेल्योर इंटू सक्सेस। अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये प्रश्न है। अब इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेल्योर इंटू बिगनिंग। तो इसका मीन्स है बच्चों, हम कितनी बार एक नई शुरुआत करने, अपनी गलतियों को सुधारने और असफलता को जीत में बदलने के एक और मौके की कामना करते हैं। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की ज़रूरत नहीं होती, बस पूरे दिल से कोशिश करनी, गहरी इच्छा की ज़रूरत होती है। मतलब इसका मीन्स ये है कि हम ये सोचें कि एक और मौका हमें मिले तो हमें ना एक नए दिन का इंतज़ार करें कि हम नए दिन से शुरुआत करेंगे, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। बस हम एक बार और प्रयास करें और पूरी मेहनत से, पूरे दिल से, पूरी लगन से हमें उस प्रयास को करना चाहिए, ताकि हमें जो हम असफल हो गए हैं फिर दोबारा हम उसमें सफल हो सकें। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन टू ऐड द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। थोड़ा बेहतर जीने के लिए और हमेशा समाजशील रहने के लिए और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें थोड़ी और चमक जोड़ने के लिए हमें फिर दोबारा बेहतर तरीके से प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक बार में सफल नहीं हो पाते किसी काम में, तो हमें उसे दूसरी बार में सफल कर लेना चाहिए और ज़्यादा प्रयास करके और ज़्यादा मेहनत करके। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रो फॉर देयर ऑलवेज अ टमोरो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। इसलिए निराश में कभी हार ना माने और सोचें कि आप सफल हो गए हैं, क्योंकि हमेशा एक कल होता है और नए सिरे से शुरुआत करने की आशा होती है। तो हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें एक और प्रयास करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम इसमें ज़रूर सफल होंगे और हमें सफलता मिलती ही है। तो इस तरीके से बच्चों, हम अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं एक और प्रयास कर। यदि किसी काम में हम असफल हो जाते हैं एक बार में, तो हमें हार नहीं मानना चाहिए और फिर दोबारा से और मजबूत तरीके से प्रयास करना चाहिए अपने पूरी मेहनत और लगन के साथ, जिससे कि हम दूसरी बार में उस काम में सफल हो सकें। तो बच्चों, इसी हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हों। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8th के इंग्लिश के लेसन नंबर 1 को। इस लेसन का नाम है बच्चों अनदर चांस। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं, अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों, चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज की ओर। तो बच्चों, इस चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है लिसन एंड रिपीट। लिसन का मीन्स होता है सुनना और रिपीट का मीन्स होता है दोहराना। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे मैं इसे पढ़ूंगा आपको सुनना है और दोहराना है, वैसे के वैसे ही बोलना है, यानी हमें इनके प्रोनंसिएशन पे ध्यान देना, उच्चारण पे ध्यान देना है। तो इन वर्ड्स को देख लेते हैं। पहला जो वर्ड है वो है बिगनिंग, ठीक। सेकंड है ये है विनिंग, और थर्ड है ये है फॉरगिविंग, ठीक है। हमने देखा है इन वर्ड्स की जो साउंड है वो सेम है, बट इनके जो मीन्स है वो डिफरेंट है। देख लेते हैं, जो बिगनिंग मीन्स होता है बच्चों वो होता है शुरुआत, विनिंग मीन्स जीत, और फॉरगिविंग मीन्स दयालु, ठीक। तो यहाँ पर इसी तरीके से और भी ये वर्ड्स दिए हैं, ये है स्टार्ट, हार्ट और पार्ट, ठीक। स्टार्ट मीन्स होता है शुरू, हार्ट मीन्स होता है दिल, और पार्ट मीन्स होता है भाग। इसी तरीके से इन वर्ड्स को देख लेते हैं हम, ये है बेटर, लेटर, फैटर, ठीक। बेटर मीन्स होता है बेहतर, लेटर मीन्स होता है पत्र, और फैटर मीन्स होती है बेड़ी। जो बेड़ियां एक मुजरिम को जेल में पहनाई जाती हैं जंजीरें, उन्हें हम बेड़ी फैटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ये वाला पार्ट, ये है डीप, कीप और वीप, ठीक। डीप मीन्स गहरा, कीप मीन्स रखना, वीप मीन्स
एक आवाज होती है, वीप की साउंड होती है, उसे हम वीप बोलते हैं। इस तरीके से हमारा ये वाला पोर्शन हो जाता है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। तो वर्ड पावर में ए वाला पार्ट है वो है रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स के हमें एंटोनिम्स लिखना है। एंटोनिम्स मीन्स होता है अपोजिट वर्ड, जिन्हें कि हम विलोम शब्द भी हिंदी में बोलते हैं। जैसे पहला है सक्सेस, सक्सेस का हमारा हो जाएगा फेल्यूअर। ठीक है, फेल्यूअर। सक्सेस मीन्स होता है सफल, फेल्यूअर मीन्स होता है असफल। नेक्स्ट है स्टेल, स्टेल मीन्स होता है सड़ा हुआ। ठीक है, इसका हो जाएगा फ्रेश, ये फ्रेश मीन्स होता है ताजा। हॉप, हॉप मीन्स होता है बच्चों आशा, इसका हो जाएगा डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा। नेक्स्ट है एंड, एंड मीन्स होता है अंत, इसका हो जाएगा बिगिन, बिगिन मीन्स हो जाते हैं शुरुआत। नेक्स्ट है सैलो, सैलो मीन्स होता है बच्चों उथला, इसका हो जाएगा डीप, डीप मीन्स हो जाएगा गहरा। ठीक, इस तरीके से आप ये वर्ड्स कर सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स लिख सकते हैं और उन्हें याद कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बच्चों जो बी वाला पार्ट है वर्ड पावर का, ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वोवल्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके बीच बीच में से कुछ वोवल्स गायब कर दिया है। ठीक है, तो वो हमें फिल करना है यहाँ पर। जैसे कि ये है ऑफन, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, तो ऑफन की स्पेलिंग होती है OFTEN। ठीक है, ऑफन अक्सर, ई यहाँ पर आ जाएगा। ये है ब्लॉट, ठीक है, ब्लॉट मीन्स होता है मिटाना, BLOT, ब्लॉट। ठीक है, विस, विस मीन्स इच्छा, ठीक है, WISH, विस। ये है फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स माफ करना। ठीक, तो FORGIVE, फॉरगिव। ये है मिस्टेक, MISTAKE, मिस्टेक। इस तरीके से आप ये बी वाला पार्ट भी कर सकते हैं। अब बच्चों जो वर्ड्स पावर का सी वाला पार्ट है वो है फाइंड वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स के हमें राइमिंग वर्ड्स लिखना है। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनके साउंड सेम होते हैं बट मीन डिफरेंट होते हैं, उन वर्ड्स को हमें राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे पहले है साइन, साइन का राइमिंग वर्ड हो जाएगा बच्चों वाइन। ठीक, WINE, वाइन। नेक्स्ट है थ्रो, इसका हो जाएगा टुमारो, टुमारो। ठीक, नेक्स्ट है स्टार्ट, स्टार्ट का हो जाएगा हार्ट। नेक्स्ट है बिगनिंग, बिगनिंग का हो जाएगा विनिंग। WINNING, विनिंग। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके जो साउंड है सेम है, साइन वाइन थ्रो टुमारो स्टार्ट हार्ट और बिगनिंग विनिंग, लेकिन इनके जो मीन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स है बच्चों। अब बच्चों इस चैप्टर का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन में जो ए वाला पार्ट है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो देख लेते हैं बच्चों उन क्वेश्चंस के आंसर। अब बच्चों जो कंप्रिहेंशन का जो ए नंबर वाला क्वेश्चन है वो है व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हमें एक दूसरे चांस की आशा क्यों करना चाहिए? तो हमें एक दूसरे चांस की इच्छा इसलिए रखनी चाहिए ताकि हमारी जो असफलता है हम उस असफलता को सफलता में बदल सकें। तो इसका आंसर आप लिखेंगे वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज अवर फेल्यूर इंटू विनिंग। क्योंकि बहुत से बार हम किसी काम का प्रयास करते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाते, तो हमें हार मार के बैठ नहीं जाना चाहिए बल्कि दोबारा से प्रयास करना चाहिए और अपने पूरी मेहनत और लगन से प्रयास करना चाहिए ताकि हम उस असफलता को सफलता में बदल सकें। जो दूसरा नंबर का बी नंबर का प्रश्न है वो है व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक नई शुरुआत करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, क्या चीज जरूरी होती है? तो एक नई शुरुआत करने के लिए हमें डीप डिजायर यानी गहरी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें एक पक्की इच्छा शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए कि इस बारी हम सफल होकर ही दिखाएंगे, बस इस चीज की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये बोल रहे हैं इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, हमें गहन इच्छा शक्ति की जरूरत है एक नई शुरुआत करने के लिए। ठीक, सी नंबर वाला क्वेश्चन है ये है व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। तो इस दुनिया में एक रोशनी जोड़ने के लिए पोएट बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इस
दुनिया में प्रकाश भरने की बात पोइट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो सुखद हो जाए, ठीक है, हमारा जो फ्यूचर है वो समझ जाए, ठीक। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द पोइट मीन्स टू मेक आवर लाइफ बेटर। पोइट का मीन्स क्या है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना लें, ठीक, एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया में कुछ बने। कुछ बनने का मतलब ये है कि एक सक्सेसफुल पर्सन बने, ठीक। तो पोइट का मीन्स यहाँ सनशाइन ऐड करने का यानी प्रकाश को जोड़ने का मीन ये है कि हम अपनी जिंदगी को सुधारें और इस दुनिया में कुछ बनकर दिखाएं, ठीक। जो डी नंबर वाला क्वेश्चन है वो है, व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराशा में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम निराशा में हार मान जाते हैं तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। हमें सफल होने के लिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें बल्कि प्रबलता से उस निराशा का सामना करना चाहिए और कड़ी मेहनत करके अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से उस असफलता को सफलता में बदल देना चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए निराशा में, एज देयर इज ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू, हमेशा एक नई कोई ना कोई आशा की एक नई किरण होती है, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहिए हमें, ठीक। ई नंबर वाला क्वेश्चन है ये है, व्हाट शुड बी होप फॉर आवर फ्यूचर, हमें अपने भविष्य के लिए क्या आशा रखनी चाहिए। तो हमें बच्चों अपने भविष्य के लिए ये आशा रखनी चाहिए कि हम एक नई शुरुआत करें और जीते, अपने फ्यूचर में जीते, ठीक है। तो वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू, हमें अपने ऐसी आशा रखनी चाहिए कि हम नई शुरुआत करें और जीते, ठीक है, भविष्य में। अब बच्चों जो यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेट्स रीड। तो यहाँ पर दिया रीड द पैसेज केयरफुली, यहाँ पर एक पैसेज दिया है, हमें उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक, और समझना है कि इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर्स हमें देना है इस पैसेज के बेस पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, टू क्रोज चैलेंज ईच अदर टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर, दो कौए हैं जो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, उनका ये चैलेंज है कि कौन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है, वाइल कियरिंग सेक्स ऑफ द सेम साइज, जबकि वो समान साइज का दो बोरियां उठाकर उड़े, ठीक है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ये कौए हैं इनके पैरों में पंजों में दो बोरियां हैं, ठीक है, तो वो ये दो बोरियां उठाकर उड़ना चाहते हैं समान साइज की, ठीक, तो वो ये देखना चाहते हैं कि कौन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है इन बोरियों को लेकर। द फर्स्ट क्रो फिल्ड हिज सैक विद कॉटन एंड लॉफ्ट एट द अदर क्रो, जो पहला क्रो है वो अपनी बोरी में कॉटन भर लेता है यानी रुई भर लेता है, और दूसरे के ऊपर हंसता है, इसलिए हंसता है, क्योंकि जो रुई होती है बच्चों वो बहुत ज्यादा हल्की होती है, ठीक है, तो वो सोचता है कि मैं तो बड़ी आसानी से इसे लेकर उड़ पाऊंगा। हु हैड फिल्ड हिज विथ साल्ट विच वॉज मच हैवियर, और जो दूसरा क्रो था उसने अपने बोरी में ना नमक भर लिया था, साल्ट मतलब नमक, तो वो कॉटन के कंपेयर में भारी होता है, इसलिए जो पहला वाला था वो उससे हंस रहा था कि ये तो भारी से लेकर उड़ ही नहीं पाएगा और मैं कॉटन को आराम से लेकर उड़ सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख भी सकते हैं। अब क्या होता है बच्चों, हाउ एवर वेन इट बिगेन टू रेन, वो फिर क्या है, जैसे ही उनकी रेस स्टार्ट होने वाली होती है तो बारिश शुरू हो जाती है, पानी आना शुरू हो जाता है। एज द सेकेंड क्रो हैड एक्सपेक्टेड द साल्ट बिगेन टू डिसॉल्व, और जैसा कि दूसरा क्रो जो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो जो साल्ट होता है जो नमक होता है वो डिसॉल्व हो जाता है यानी कि वो घुल जाता है पानी में, देखा होगा कि हम नमक डालते हैं, नमक की डेली डाल देते हैं तो वो घुल जाती है, तो वो घुल जाता है और वो पूरा खत्म हो जाती है, जो बोरी में नमक होता है वो घुलकर पानी बनकर निकल जाता है, ठीक है। द कॉटन एब्जॉर्ब द रेन वाटर एंड बिकम सो हैवी, और जो रुई थी दूसरे पहले वाले के उसमें बैग में, तो वो क्या है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, ठीक है, इसका बोरी। दैट द फर्स्ट क्रो डिड नॉट इवन हैव द स्ट्रेंथ टू गेट ऑफ द ग्राउंड एंड ही हैड टू एडमिट डिफीट, तो जो पहला क्रो था जिसके बोरी में ना कॉटन था तो वो उसे उठा भी नहीं पाता, और दूसरा वाला जो क्रो था वो आसानी से उस रेस को जीत जाता है, जो भी उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है कि कौन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये पैसेज था हमने अच्छे से समझ लिया, अब इसके जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर भी हम देख लेते हैं, ठीक। अब बच्चों जो पैसेज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वॉट वॉज द चैलेंज, चैलेंज क्या था, मतलब उनमें जो कॉम्पिटिशन हो रहा था वो किस चीज का था, तो कॉम्पिटिशन ये था कि बोरियां उठाकर कौन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है, ठीक है, बोरियों को हम सैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे, द चैलेंज वॉज हु कुड फ्लाई हायर वाइल कियरिंग सैक्स ऑफ सेम साइज, यानी चैलेंज ये था कि कौन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है समान साइज के बोरियों को लेकर, ठीक है, ये चैलेंज था। सेकेंड है, वॉट वॉज देयर इन द फर्स्ट क्रोज सैक, तो पहले जो कौआ था उसकी बोरी में क्या था, तो हमें बताया बच्चों जो पहला कौआ था उसकी बोरी में कॉटन थी यानी रुई थी, ठीक। तो इसका आंसर आप लिखेंगे,
देयर वॉज कॉटन इन द फर्स्ट रो सैक, ठीक है, पहले कौए की बोरी में कॉटन थी यानी रुई थी, ठीक। थर्ड है, व्हाट वॉज देयर इन द सेकेंड क्रो सैक, तो दूसरे वाले कौए की बोरी में क्या था, दूसरे वाले कौए की बोरी में नमक था यानी साल्ट था, ठीक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे देयर वॉज साल्ट इन सेकेंड क्रो सैक, दूसरे वाले कौए की बोरी में साल्ट था यानी नमक था, ठीक। फोर्थ है, हु वॉज एक्सपेक्टिंग रेन, तो कौन सा कौआ रेन की एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या आशा कर रहा था, ठीक। तो जो सेकंड वाला क्रो था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश हो जाए, ठीक है, क्योंकि है ना बारिश होती तो जो नमक है वो पानी बनकर बह जाता, ठीक है, पानी में घुलकर बह जाता और जो कॉटन थी वो एब्जॉर्ब कर लेती क्या पानी को, ठीक है, जिससे कि वो हैवी हो जाती, इसलिए जो सेकंड वाला क्रो था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश हो, द सेकंड क्रो वॉज एक्सपेक्टिंग रेन, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों ये टेस्ट वाले क्वेश्चन आंसर भी हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेट्स डू इट, चलो करते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है अ नंबर हैज बीन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन द टेबल बिलो, रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज। तो यहाँ पर एक टेबल दिया है और जो अपने अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी एफ जी एच आई जेड तक, ठीक है, तो उनके सामने एक एक नंबर दिया है, जैसे ए वन नंबर पे, टू नंबर पे, बी सी, थ्री नंबर पे, डी फोर नंबर पे, इस तरीके से ये जेड तक दिए हैं, जेड 26 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैसेज है नीचे की साइड, उस मैसेज को हमें डिकोड करना है, उनके नंबर दिए हैं, उन नंबर के हिसाब से हमें अल्फाबेट को लेना है और एक वर्ड बनाना है और इस तरीके से वर्ड बनाकर वो मैसेज देखना है क्या मैसेज है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे 14 है तो 14 पे क्या आता है, एन आता है, तो एन ले लिया, एन यही लिख लिया हमने 14 पर, सॉरी एन लिख लिया हमने 14 पर, ठीक है, इस तरीके से। 5 पे क्या है, ई, ठीक। 22 पे है वी, 5 पर फिर ई है, और 18 पर है हमारा आर, ठीक है। तो जैसे कि ये एक नंबर दिया था हमें, कोड दिया था, उससे हमने जो वर्ड बनाया वो क्या बनाया, नेवर। इसी तरीके से और भी नंबर है, उससे हमें एक एक वर्ड बनाते जाना है, तो मैं जल्दी से बना के आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या मैसेज है, ठीक है, उसी हिसाब से आप भी लिख लीजिएगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर उस कोड को डिकोड कर दिया है, उस नंबर्स के हिसाब से हमने अल्फाबेट्स लिख दिए हैं, तो वो जो कोड था वो था ये, नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, यानी हमें निराशा में कभी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक, एंड ऑफ ऑफ स्टार्टिंग न्यू, और हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, इस तरीके से ये मैसेज था, ठीक। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।